हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद शिवम सर। लेकिन इसका मैंने नेम चेंज कर दिया है, इसका नाम अब मैंने कर दिया एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के थ्रू। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्ड्स पावर एंड इसेस, घन, घातांक, घनमूल। इससे पहले हमने क्यूब से रिलेटेड और क्यूब रूट से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्यूब फाइंड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे क्यूब फाइंड किया जाता है। अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना नहीं आता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीख जाएँ। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियोस ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाए और तो लोगों को पता चल जाए कि एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स चैनल है, जो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, 8 की पावर 2/3। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज़ होगा, जैसे a की पावर m और उसकी पावर n है। जब पावर की पावर होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम क्रॉस एन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और ऊपर पावर दी हुई है 2/3। जब पावर की पावर दी होती है तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 × 2/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 × 2 = 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4। क्वेश्चन में अगर दिया होगा 8 की पावर 2/3, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 4। कैसे होगा, 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3। जब पावर की पावर दी होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, 2 तो हो गया 2 की पावर 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, √8 − √4 − √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √8 को मतलब क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 4 माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 माइनस √2। अब यहाँ पे गिवन है 4 को क्या हो जाएगा, 4 किसका, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 √2 माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है √2 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2। अब ये दिया हुआ है 2 √2, ये दिया है माइनस √2, तो दो में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा √2 − 2। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिया हुआ है 3 की पावर x + 8 × 27 की पावर 2x + 1। अब इसे यहाँ पे बेस है 3, यहाँ पे बेस है 27। अगर बेस इक्वल होगा तो पावर को हम इक्वल मान सकते हैं, तो यहाँ पे बेस पहले इक्वल कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 3 की पावर x + 8, अब यहाँ दिया 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, और यहाँ पर दिया हुआ है पावर 2x + 1। अब यहाँ दोनों का बेस सेम हो गया है, ये हो जाएगा 3 की पावर x + 8, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 = 6x + 3 × 1 = 3। अब अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 8 = 6x + 3। अब इसको उधर जाके माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 8 − 3 = 6x − x। अब 6x में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x = 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो x = आ जाएगा 5/5, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे 5 से 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस क्वेश्चन में को x की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी की बेस सेम है, जैसे दिया हो a की पावर m = a की पावर n, अगर a और a दोनों सेम है बेस, तो हम कह सकते हैं m = n होगा, ये हमारा एक फार्मूला है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, √2n − 1 इक्वल में दिया हुआ है 2/4 3 √2 × 2/4 3 की पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया जब बेस सेम होगी तभी पावर इक्वल कर सकते हैं, तो इसको बेस इक्वल करना है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 की पावर 3 का, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको हमने लिख दिया 3 की पावर 3, और ऊपर पावर दिए 2n − 1 इक्वल
ये जो 243 ये भी 3 के बेस में बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। पावर की पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2n-1, और यहाँ हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 5 3 15। अब यहाँ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6n-3 1 3 इक्वल 3 की पावर 15। अब दोनों का बेस इक्वल हो गया है तो हम क्या कर देंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, तो पावर हमारी क्या है 6n-3 इक्वल हो जाएगा 15 के। ये माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, 15 + 3 18। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 18/6, 6 के 18 को डिवाइड करो, 6 3 18, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 3। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है 16 की पावर 3/4। अब 16 को हमको 2 की पावर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और इसकी पावर है 3/4। पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8। अगर क्यूब आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है क्यूब निकालने का, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा क्यूब का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है 243 की पावर 0.16, यहाँ दिया है 243 की पावर 0.04। यहाँ पे जब बेस इक्वल होता है तो पावर को ऐड करते हैं, जैसे दिया हो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हम यहाँ लिख देंगे a की पावर m प्लस n, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 243 पावर को ऐड कर देंगे तो 0.16 प्लस 0.04, तो कितना आ जाएगा 243, और इसकी पावर हो जाएगी 0.20। 16 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पॉइंट लगा है, डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/100, इसको कैंसिल करो तो 20 × 5 = 100, तो ये आ गया 243 की पावर 1/5। अब 243 को ऐसा कन्वर्ट करो कि पावर 5 में आ जाए, तो 243 को हम कर सकते हैं 3 की पावर 5/1/5, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 की पावर 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे दिया 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर दी हुई है 0.09। अभी हमने बताया अगर क्वेश्चन का बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 256 की पावर 0.25, 16 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब 256 को हमको ब्रेक करना है, तो यहाँ पावर जो 25 है पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 से 100 को काटा कितना आ गया 4, तो ये हो जाएगा 256 की पावर 1/4। अब हमको 256 को ऐसा लिखना है किसी इसकी पावर 4 में आ जाए, ताकि 4 से 4 बेस पावर से पावर कैंसिल है, तो 256 को क्या बोलते हैं 16 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर 1/4, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1/4। पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर हो जाएगा 4, बार हो जाएगा 1/4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो यह आंसर क्या आ जाएगा 4 की पावर 1, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 4। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 36 की पावर 1/6, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये हो गया 1/6, पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/6, 2 से 6 को कैंसिल किया तो आ गया 1/3, तो 6 की पावर क्या हो गया 1/3। अगर 1/3 लिखा है पावर में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3/6, ये हो गया इसका हमारा आंसर। इसको हमको कन्वर्ट करना था, ये इसमें दिया था पावर में 1/6 में, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया क्यूब रूट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में घनमूल। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।